और राइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर फ्रंट टच ओएस 15 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बेच जाने वाला है यहाँ पर एंड्रॉइड 15 के ऊपर। और इस वीडियो में मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लिया तो आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ आप सीख के जाने वाले हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे जो आपने आज से पहले कभी सोची भी नहीं होंगी। तो चलते अपने यहाँ पर टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आपका डिवाइस है यहाँ कि एक तरीके से फ्रंट टच ओएस 15 को यहाँ पर सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो लिस्ट है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है और मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपके में जो फ्रंट टच ओएस 15 आने वाला है उसके अंदर आपको कौन कौन से यहाँ पर जो यूनिक फीचर्स होते हैं जो अपने डिवाइस को यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर यूनिक बना देंगे। सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फीचर के ऊपर बात करते हैं, वो रहता है यहाँ पर AI फीचर्स के रिगार्डिंग। इसलिए क्या है कि यहाँ पर व्यू वाले यहाँ पर फ्रंट टच ओएस 15 के अंदर फॉर करके यहाँ पर AI देने वाले हैं, तो उन्हीं में से यहाँ पर एक जो फीचर है वो रहता है यहाँ पर इमेज एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग। इसलिए इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी फोटोज यहाँ पर क्लिक कर दिया है और आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप सिंपल तरीके से इसकी मदद से कर सकते हो। इसकी मेरी यहाँ पर जो पुरानी फोटो थी वो तरीके से आप सिंपल तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि बाद में यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया है, थोड़ा सा यहाँ पर हाथ वगैरह यहाँ पर सही नहीं आया यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद, लेकिन आप कुछ हद तक यहाँ पर अपनी फोटोज यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हो। तो काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है काफ़ी यूजर्स के लिए। और ये जो मैंने यहाँ पर फोटोज है उसको मैंने कैसे एक्सपेंड किया, अगर आप इसको रिप्लाई जानना चाहते हो तो सिंपल तरीके से आप मुझे इंस्टाग्राम के साथ साथ आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप इंस्टाग्राम पर नहीं, आप तो मुझे आप ट्विटर भी पूछ सकते हो, ट्विटर पर मेरा अकाउंट है, सिंपल तरीके से मुझे यहाँ पर ट्वीट कीजिए, मैं सभी को यहाँ पर रिप्लाई भी देता हूँ। तो फटाफट चलते हैं अपने यहाँ पर दूसरे फीचर के ऊपर। वो रहता है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी यहाँ पर जो मीडिया की जो एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर होता है, MX प्लेयर होता है, उन पर आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इसलिए काफ़ी तरीके से इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इस फीचर की मदद से। तो पहले यहाँ पर अगले फीचर के ऊपर बात करते हैं, वो रहते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन की रिगार्डिंग। तो आपने यहाँ पर रिसेंटली देखा होगा कि यहाँ पर जो HyperOS वालों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से लॉक स्क्रीन की जो स्टाइल वगैरह होते हैं उसको स्टेट डाला हुआ था कुछ यहाँ पर यही फीचर से भी रिलेटेड थे। उसी तरीके के आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन यहाँ पर स्टाइल देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो अगला फीचर होता है वो रहता है यहाँ पर मैक्रो वीडियोग्राफी की रिगार्डिंग। इससे होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फोटो को एक तरीके से क्लिक करते हो तो अगर आप यहाँ पर कैमरे को जितना नज़दीक ले जाओगे उतना ही एक तरीके से जो फोटो होती है इससे ब्लर होती है। लेकिन इस अपडेट के बाद आप यहाँ पर सिंपल तरीके से आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हो जो कि अपने मैक्रो कैमरा से करोगे। इसका मतलब अगर आप नहीं भी समझे हो तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूँ कि आप अपने यहाँ पर जो मोबाइल पर जो कैमरा होता है उसको जितना नज़दीक लेके जाओगे उतनी फोटो एक तरीके से आपकी ब्लर होती चली जाएगी। मेरा मतलब क्या है कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखोगे आपको फोटोज थोड़ी ब्लर होगी, लेकिन इस अपडेट के बाद आपका जो मैक्रो कैमरा हुआ उसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी वीडियोस को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर शूट कर पाओगे पूरी तरीके से 1 to 2 सेंटीमीटर के अंडर में। तो सिंपल तरीके से ये तो फीचर है वहाँ पर काफ़ी डिवाइसेज में देखने को मिलेगा, हर एक डिवाइस में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस डिवाइस में यहाँ पर मैक्रो कैमरा का सपोर्ट है उसी में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अगले फीचर के ऊपर बात करते हैं, वो रहता है यहाँ पर इसकी फ्लैशिंग के रिगार्डिंग। तो बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ पर फ्रंट कैमरे से अपने यहाँ पर वीडियोज़ को कैप्चर करते थे आपको यहाँ पर एक तरीके से फ्लैशिंग देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस अपडेट के बाद आप यहाँ पर अपना फ्लैश के यहाँ पर यूज कर पाओगे वो अपने फ्रंट कैमरे में जो कि वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड करने के दौरान। तो ये वाला जो फीचर होता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर यूजफुल हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने अगले अपडेट के रिगार्डिंग, जो कि रहता है यहाँ पर इमेज क्लिपिंग के रिगार्डिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो आईफोन होता है, सैमसंग होता है, ओप्पो फोन होते हैं, उनके अंदर आप इमेज क्लिपिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन अब से आप यहाँ पर अपने वीवो के यहाँ पर फोन में भी यूज कर पाओगे। और अब बात करते हैं अपने यहाँ पर अगले अपडेट के रिगार्डिंग, तो जिसके अंदर रहता है कि आप हमें जो 144 का यहाँ पर एक तरीके से रिफ्रेश रेट आपके यहाँ पर डिवाइस में सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन में यहाँ पर एक तरीके से 144 का यहाँ पर रिफ्रेश रेट यहाँ पर काम नहीं करता है। तो आपसे यहाँ पर इस अपडेट के बाद आप यहाँ पर 144 का यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट होता है उसको आप दूसरे तरीके से यहाँ पर यूज कर पाओगे। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे आपकी जो बैटरी होती है वो कंज्यूम ज़्यादा होने लगती है। तो आप सिंपल तरीके से अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पर अपडेट के बाद इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। तो अपने यहाँ पर जो अगला फीचर होता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के यहाँ पर जो फीचर्स होते हैं, जो कस्टमाइजेशन के फीचर्स होते हैं, जैसे कि हो जाता है यहाँ पर इमेज के यहाँ पर रिसाइज करना या फिर हो जाता है यहाँ पर बिटमोजी का सपोर्ट जिसके आपको वन प्लस में देखने को मिल जाता है, उस तरीके का यहाँ पर कुछ आने वाला है यहाँ पर आफ्टर अपडेट के बाद। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो मीडिया कंट्रोल के ऊपर बात कर लूँ,
मेरे कंट्रोल पर क्या होता है कि आप यहाँ पर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन एक तरीके से बटन करते हो तो एक तो सिंपल तरीके से आप नेविगेशन के थ्रू कर सकते थे। लेकिन इसी तरीके से आप यहाँ पर म्यूजिक के भी वॉल्यूम को भी एक तरीके से चेंज कर पाओगे, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आप यहाँ पर म्यूजिक को भी चेंज कर पाओगे यहाँ पर, जिसके आप मोटरोला यहाँ पर ऑन करते थे। तो इस तरीके का यहाँ पर अपडेट है उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आप फायर मैनेजर होगा उसका थोड़ा सा लुक वगैरह कुछ यूनिक बनाने की, कुछ मॉडर्न यहाँ पर लुक देने की कोशिश की गई है, उसको भी आप सिंपल तरीके से देख सकते हो। और आप बात करते हैं आप इसके मेजोरिटी चेंजेस, पर्सनली मुझे पसंद आया है वो रहता है आप इसकी लिमिट चार्जिंग के रिगार्डिंग। अभी तक क्या होता था कि आप अपने डिवाइस को यहाँ पर चार्ज करते थे वो चार्ज हो जाता था अराउंड यहाँ पर 100% तक, तो लेकिन अब से यहाँ पर इस फीचर की मदद से अगर अपने डिवाइस को आप 80% तक चार्ज करना चाहते हो, 80% के यहाँ पर चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर चार्जिंग ग्रीस रुक जाएगी। तो ये वाला जो फीचर है मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया हुआ है, तो मुझे पता है कि आपको भी आया होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर वीडियो को दीजिए फटाफट से लाइक। तो अब चलते हैं यहाँ पर अपने अगले अपडेट के रिगार्डिंग जो रहते हैं यहाँ पर जो कस्टम के यहाँ पर जो लाइव वॉलपेपर्स होते हैं उसको भी आप सिंपल तरीके से यहाँ पर यूज कर पाओगे। अपने जो लाइव वॉलपेपर होते हैं उसको सिंपल तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पर आफ्टर अपडेट के बाद। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एक और अपडेट के बारे में जो रहता है यहाँ पर डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग। तो इसलिए होता क्या है कि मैं तो यहाँ पर पर्सनली यूज कर रहा हूँ अपने पोको के डिवाइस में, लेकिन अभी तक आपको वीवो के फोन में देखने को नहीं मिला था, जिसकी मदद से हुआ क्या कि आप यहाँ पर दोनों कैमरों को यहाँ पर एक साथ यूज कर पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पर डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है इसके अंदर देखने को मिलता है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर यूज कर सकता है जो कि रील्स वगैरह बनाते हैं तो वो एक तरीके से सिंपल तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पर बात करते हैं, तो एक और यहाँ पर जो मेजोरिटी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा वो रहता है कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल होता है उसकी मदद से ही आप अपने यहाँ पर सिम को यहाँ पर 4G से 5G में स्विच कर सकते हो, 5G से 4G में स्विच कर सकते हो। मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ से आप अपनी सिम की यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होती है उसको वन क्लिक में यहाँ पर चेंज कर पाओगे। तो ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला जो फीचर रहता है। तो बात करते हैं कुछ पॉकेट मोड के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर कुछ आपको पॉकेट मोड भी देखने को मिलेगा कि आप अपने पॉकेट में यहाँ पर डिवाइस रखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ AI से रिलेटेड कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा। लेकिन AI के रिगार्डिंग रहता है तो कुछ आपके में एक तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो जंक क्लीनर का यहाँ पर जो विजेट होता है वो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ साथ मैं बात करूँ चूँकि एक तरीके से ब्लर इफेक्ट होता है यहाँ पर जो बैकग्राउंड के यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पूरा सा कंट्रोल पैनल होता है इसके ओरिजिन वो इसमें देखने को मिला था कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो आई होप यहाँ पर इतनी सारी फीचर्स देख के आप थोड़े से यहाँ पर एक्साइटेड हो गए होंगे इसको यहाँ पर अपडेट करने के लिए। तो फटाफट से आपको मैं लिस्ट भी बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन से डिवाइस हैं जिनको यहाँ पर एक तरीके से अपडेट मिलना है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो वीवो का यहाँ पर फंटाचॉइस 13 है वो दो डिवाइसेस का यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है, जो कि पहले डिवाइस से आएगी का 12 और दूसरा है यहाँ पर वीवो का X100 डिवाइस जिसको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 एक तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा बीटा पेज में है, लेकिन कुछ यहाँ पर दिनों के बाद इसका यहाँ पर स्टेबल अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीटा 3 होता है वो ऑलरेडी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अपकमिंग यहाँ पर जो डिवाइसेस होते हैं जिनको यहाँ पर एंड्रॉइड यहाँ पर 15 का सपोर्ट मिलना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, तो मैं सिंपल तरीके से की जो लिंक होती है बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर पूरी जो डिवाइसेस होती है उसकी जो लिस्ट भी है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और अब से जो आगे की हर वीडियो होते हैं उसके अंदर भी यहाँ पर जो सेम एक तरीके से डिवाइसेस की लिस्ट रहेगी, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकती हो कि आपका डिवाइस यहाँ पर इसके अंदर सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन अगर आपके डिवाइस को यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप हमें शायद यहाँ पर फंटाचॉइस 15 का सपोर्ट देखने को ना मिले, लेकिन आपका यहाँ पर जो डिवाइस है वो आपको यहाँ पर एक तरीके से 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का आया हुआ था, तो मुझे पता है कि इसके अंदर आपको फंटाचॉइस 15 देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से मैं आपको वो तरीका भी बता दूँ जिसकी मदद से आपको यहाँ पर फंटाचॉइस 15 को यहाँ पर यूज कर पाओगे। उसके लिए मैं सिंपल तरीके से बता दूँ कि यहाँ पर जो डेवलपर की टीम होती है वो एक तरीके से कुछ डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर टेस्टिंग करती है यहाँ पर फंटाचॉइस 15 के रिगार्डिंग, लेकिन जो डिवाइस होते हैं वो कि इंक्रीज एलिजिबल नहीं होते उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर किसी जो HDA यहाँ पर डेवलपर की यहाँ पर वेबसाइट है उसके अंदर अपने डिवाइस को यहाँ पर सर्च करो और यहाँ पर फंटाचॉइस 15 के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर डिवाइसेस के ऊपर टेस्टिंग की गई थी यहाँ पर जो कि एक तरीके से यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे ऐसी डिवाइसेस के ऊपर, तो सिंपल तरीके से उन्होंने इस अपडेट को यहाँ पर डाला हुआ है, बस सिंपल तरीके से इसको यूज कर पाओगे। थोड़े वगैरह आपको बक्स देखने को मिलेंगे लेकिन आपको बक्स की चिंता नहीं है, तो सिंपल तरीके से इसको यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी डिवाइस है प्राइमरी तरीके से यूज करते हो आप डेली बेसिस पे आप यूज करते हो तो आप इसको बिल्कुल भी अपडेट मत करो,
क्योंकि इसके अंदर कुछ यहाँ पर इशू रहते हैं जो कि फ्रंट कैमरा वगैरह रहता है, कुछ यहाँ पर हीटिंग के भी इशू देखने को मिल सकते हैं इस अपडेट के रिगार्डिंग। तो इसके आप इसको अभी यहाँ पर एक तरीके से यूज नहीं करो, लेकिन अगर आपका यहाँ पर सेकेंडरी डिवाइस है तो आप इस अपडेट को यहाँ पर यूज करके FrontOS 15 को यहाँ पर यूज कर पाओगे। आइए आपको जो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को वर्ड ऑफ फॉर सेलेक्ट। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।